भाई बिहार के मुख्यमंत्री ही पलटू राम है तो सब कुछ पलट रहा है यहाँ पर। जदयू के नेताओं से पूछिएगा तो उनका तो एक ही रटा रटाया है, लालू जी तेजस्वी जी। अपना तो छेद ही लोग देख नहीं रहे हैं कि कै गो छेद है मेरे में। जदयू वाले कहते हैं कि सारा फूल तो हमारे राज में नहीं बना, कुछ तो राजद के राज में भी बना था, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते, नौकरी का क्रेडिट लेते हैं ना। मौनी बाबा जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, इतना बड़ा नवादा में घटना हुआ। कहना है कि हमारे नेता जो है बोलते नहीं है, सिर्फ करके दिखाते हैं। हाँ, घटना डेली हो रहा है तो वही करके दिखा रहे हैं। रोज हत्या, नाबालिगों के साथ बलात्कार हो रहा है, कल भी हुआ है। यहाँ तो सब कुछ में लीक है, पेपर लीक अलग होता है, जान ही रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है बिहार में। क्या मांझी जी, आज उन्हीं का देन है कि मांझी जी इतना पटर पटर कर रहे हैं, इतना लबर लबर बोल रहे हैं। कभी लालू जी ने बेइज्जत किया मांझी जी को? भुला गए मांझी जी? पुल उल गिर रहा है तो इस पर जाके पूछिए तो देखिए वो लोग क्या कहेगा। वो लोग इंजीनियर बन जाएगा कि नहीं, वहाँ ये तार ढीला था, वहाँ जंक लगा हुआ था, यहाँ ऐसे था, इसी के चलते ऐसे हो गया। कौन स्कूल में वो पढ़े हैं, कौन कॉलेज, नाम बताए। हम लोग तो चरवाहा विद्यालय के स्टूडेंट हैं, हम लोग का तो स्कूल का नाम पूरा बिहार लोग जानता है। वो कौन स्कूल में पढ़े हैं? हमको तो लगता है कि जब वो स्कूल स्कूल नहीं जाते थे, वो स्कूल घर से निकलते थे, कभी ताड़ी पिए चल जाते थे, कभी लगता है कि महुआ पिए चल जाते थे। हमको तो यही लगता है मांझी जी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। जहां नीतीश कुमार रोज नए मार्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, वही बिहार में जो है गिरते पुल का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज ही जो है भागलपुर में एक पुल गिरा है। आखिर बिहार को हो क्या गया है? ये पुल की पोल क्यों खिल रही है कि ये कमजोर पुल? आए दिन कोई ना पुल की तस्वीर आती है कि वो गिरते रहते हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह जी हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या हो गया है बिहार को, रोज नई तस्वीर आती है कोई पुल गिरते हुए, आज भागलपुर में पुल। भाई बिहार के मुख्यमंत्री ही पलटू राम है तो सब कुछ पलट रहा है यहाँ पर, पुलों पलट रहा है। आप देख रहे हैं कि आज ही सुपौल में कहाँ पर तो न्यूज आ रहा है कि ओटी रूम से पानी भी टपक रहा है, लीक कर रहा है। तो यहाँ तो सब कुछ में लीक है, पेपर लीक अलग होता है, जान ही रहे हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल भी लीक हो रहा है सब जगह। तो इसमें भ्रष्टाचार चरम पर है बिहार में। मगर इनके प्रवक्ताओं और जदयू के नेताओं से पूछिएगा तो उनका तो एक ही रटा रटाया है, लालू जी तेजस्वी जी। अपना तो छेद ही लोग देख नहीं रहे हैं कि कै गो छेद है मेरे में। आप ही पर दोषारोपण कर देते हैं बस, तो क्या कहिएगा। वो लोग तो बयान भी नहीं देते हैं, जो सही पत्रकार हैं उन लोग पर बयान भी नहीं देते हैं, भगा दिया जाता है उन लोगों को। हम लोग के यहाँ से तो किसी को नहीं भगाया जाता है। अच्छा, उनके यहाँ से भगा दिया जाता? हाँ, भगा दिया जाता है, सबूत है मेरे पास। आपके पास सबूत? हाँ, सबूत है इसका, वीडियो है उसका मेरे पास, कि कैसे पत्रकारों को जो सही क्वेश्चन पूछने जाते हैं उनको भगा दिया जाता है। लिस्ट रखे हुए है अपने टेबल के सामने कि ऐसे ऐसे पत्रकारों को हम देंगे जो जिसको हम जो सिखाएंगे वही चीज़ हमसे वो पूछे। तो उन लोग का क्या बोलने का? बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम क्या, मैं जब भी इल्ज़ाम लगाता हूँ तो मैं ठोक के लगाता हूँ और सबूत के साथ लगाता हूँ, ये बात आप जानते हैं। कहाँ से सबूत इकट्ठा करते हैं? अब कहाँ से करते हैं, जनता देता है सबूत। हम लोग जनता के सेवक हैं, हम लोग का गरीब गुरबा हम लोग उसके हैं संरक्षक हैं, जिनका कोई नहीं है उनके हम लोग हैं। तो ये तो पुल उल गिर रहा है तो इस पर जाके पूछिए तो देखिए वो लोग क्या कहेगा। वो लोग इंजीनियर बन जाएगा कि नहीं, वहाँ ये तार ढीला था, वहाँ जंक लगा हुआ था, यहाँ ऐसे था, इसी के चलते ऐसे हो गया। नक्शा उक्शा वही लोग ना बनाता है, इसी के लिए जो है कि ऐसा ऐसा चीज बोलते रहता है। तो जदयू वाले कहते हैं कि सारा फूल तो हमारे राज में नहीं बना, कुछ तो राजद के राज में भी बना था, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते, नौकरी का क्रेडिट लेते हैं ना। अब तो लीजिए, अब तो राजद सुनिए ना, राजद के राज में बना तो उसका 20 साल से उनका सरकार है तो देख रेख उन्हीं को ना करना चाहिए कि राजदे वाला जाके देख रेख करेगा। उनका कहना है कि नौकरी नया का नया पुल तो का अरे तो नया नया पुल जो गिर रहा है देख नहीं रहे, नया नया कितना कितना मैंने एक साल हो रहा है बनला गिर जा रहा है पुल। तो उन लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं। अब राजद के शासन काल में बना पुल तो जो है उसको देख रेख कीजिएगा ना जी, उसका सर्विसिंग कीजिएगा ना, कि बिना सर्विसिंग के गाड़ी चलाते रहिएगा तो क्या हो जाएगा गाड़ी का हाल बताइए। तो इन लोग के ऊपर तो भ्रष्टाचार आप इनके देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े पदाधिकारी लोग जो हैं वो ईडी का उनके यहाँ छापा पड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं। संजीव हंस हैं और भी बहुत लोग हैं जिनको ये लोग दबाए हुए हैं, भाजपा से मिल करके दबाए हुए ईडी का बहुत लोग जो है सो कि
नेता के जो करीबी हैं, ठेकेदार हैं, उन लोग पर जो है ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। ये लोग देखते हैं नीतीश कुमार गोर धरते चलते हैं। आपके नेता जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है ट्वीट करते रहते हैं बिहार के बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर के, जब ये कहा गया जदयू के एक नेता से तो उन्होंने कहा कि काम कुछ नहीं है, बस ट्वीट ही करेंगे। आए तोरे के काम कुछ नहीं है तो क्या काम है? अब बिहार के मुख्यमंत्री यही घरे पर बैठल हैं, वो कुछ बोलियो रहे हैं, कुछ करियो रहे हैं, उनको क्या हो गया? वो मौनी बाबा जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतना बड़ा नवादा में घटना हुआ, कहना है कि हमारे नेता जो है बोलते नहीं है, सिर्फ करके दिखाते हैं। हाँ, घटना डेली हो रहा है तो वही करके दिखा रहे हैं। रोज हत्या, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के नाबालिगों के साथ बलात्कार हो रहा है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, तो क्या क्यों नहीं करेंगे ट्वीट? भाई ये बना है क्या? वो लोग नहीं ट्वीट करते हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? तो जो अब उस लोग को ऐवे नहीं करता है ट्वीट करने के लिए तो क्या कीजिएगा? तो नहीं आता, नहीं आता है तबे नहीं बतवा बोल रहे हैं। आता तो करते ट्वीट, जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं ट्वीट क्या? जरा सा उनसे पूछ के आइए तो, उनका दिखाएं हम, तो क्या बोला जाए इस पर? हम तो फिर वही बात बोलते हैं, चलनिया दुसल के बढ़निया के जकरा में अपने को 72 छेद है, तो क्या बोला जाए इस पर? अच्छा, आपने अभी नवादा का जिक्र किया, नवादा का जिक्र आप मांझी जी के उस बयान पर क्या कहिएगा जो उन्होंने टिप्पणी की है? अब देखिए मांझी जी के बयान पर क्या अब हम बोले, उनका क्या है, वो क्या पढ़े? कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं केंद्र मंत्री, हम वही तो हम बोल रहे हैं, तो पढ़े लिखे हैं कौन स्कूल में? वो पढ़े हैं कौन कॉलेज, नाम बताए? हम लोग तो चरवाहा विद्यालय के स्टूडेंट हैं, हम लोग कहते स्कूल का नाम पूरा बिहार लोग जानता है, वो कौन स्कूल में पढ़े हैं? हमको तो लगता है कि जब वो स्कूल नहीं जाते थे, वो स्कूल घर से निकलते थे, कभी ताड़ी पिए चल जाते थे, कभी लगता है कि महुआ पिए चल जाते थे, हमको तो यही लगता है मांझी जी के बारे में, काहे कि वो हर समय दारुए शराब का बात करते रहते हैं, देखते भी हैं उनका बयान। और जहाँ तक लालू जी की बात है, अरे लालू जी ने जो किया है गरीबों के लिए वो पूरा बिहार क्या पूरा देश जानता है मैडम। गरीब लोगों को कुर्सी दिया बैठने के लिए, आवाज़ दिया, क्या मांझी जी, आज उन्हीं का देन है कि मांझी जी इतना पटर पटर कर रहे हैं, इतना लबर लबर बोल रहे हैं? कभी लालू जी ने बेइज्जत किया मांझी जी को? भुला गए मांझी जी यही विधानसभा में क्या क्या नहीं बोले थे नीतीश कुमार? क्या बोले थे कि मेरा गदा पना था कि मैंने इसको मुख्यमंत्री क्या? अब वो सब शब्द हम यूज नहीं करेंगे, तो बोलना करना उनका काम, उनको तो करवाया जा रहा है, इसलिए करवाया जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव है, ये सब बोलेंगे ना तो मोदी जी खुश होके 10-15 को सीट दे देंगे विधायक। बीजेपी वाले यानी आरोप लगाने की करवाया जा रहा है जानबूझकर के उनको, कहा जा रहा है कैसा बोलिए तो और क्या है? और केंद्रीय मंत्री हैं, एक वरिष्ठ हैं, 80 उनका उम्र हो गया, क्या ऐसा शब्द बोला जाता है? जात पात की बात की जाती है क्या? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। मांझी जी कह रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, LLB किए हुए हैं, कौन कॉलेज से किए हैं, कॉलेज का हम नाम सुनना चाहते हैं, उनसे पूछ के आइए कि कौन स्कूल का स्टूडेंट है रे भाई, कौन कॉलेज का स्टूडेंट है? तो मांझी जी के बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं, क्या बोले बेचारे, उनको ड्यूटी दिया है, ड्यूटी कर रहे हैं, करने दीजिए, जनता समझ रहा है। जनता समझ रही है, ये कहना है बंटू सिंह जी का। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट पे हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।